हाँ जी है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम माने मैं, अहम माने मैं, ब्रह्मा अस्मि, मैं ब्रह्मा हूँ। क्या माना? मेरी वाणी पत्थर की लकीर है, ऐसे समझना। मैं सच्चा हूँ, दूसरे अर्थों में मैं शिव हूँ। शिव कौन हो सकता है? सच्चा ही शिव हो सकता है, या कोई झूठा भी शिव हो सकता है? सच्चा ही कल्याणकारी होगा, या कोई झूठा भी कल्याणकारी होगा? है, इसलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। जो सच्चा होता है वो ही शिव होता है, कल्याणकारी होता है, और वो ही सुंदर होता है। तो गुरु लोग अपन को कहते हैं, क्या कहते हैं? शिवो अहम, ब्रह्मा अस्मि, मैं शिव हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। क्योंकि ब्रह्मा के मुख से ही वेदवाणी उच्चारण की जाती है। वेदों को पत्थर की लकीर माना जाता है, सत्य माना जाता है। और धूर्त, अनु और मिट्टी का कण, अनु अनु जो अनु अनु होता है ना, हाँ, और मिट्टी का कण, हाँ, एक ही है या अलग अलग होता है? अनु अनु को ही तो मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कोई दूसरी चीज थोड़ी है, जो कण है उसको अणु कहा जाता है। कण कण का संघात, कण कण का समूह मिलकर के मिट्टी कही जाती है। वो कण कण मिला करके कोई ऐसी चीज बनाई जाती है, उसका दूसरा नाम रख दिया जाता है, घड़ा। उसे फिर कण कण नहीं कहेंगे, घड़े को मिट्टी नहीं कहेंगे, अणु अणु नहीं कहा जाता। क्या कहा जाता? घड़ा कहा जाता। क्योंकि अगर उसको भी अणु अणु कहें, कण कण कहें, मिट्टी कहें, फिर जो दीपक बनता है उसे क्या कहेंगे? उसको भी मिट्टी कहना पड़े, अणु अणु कहना पड़े, कण कण कहना पड़े। तो दीपक भी वो ही, घड़ा भी वो ही। कोई मूर्ति बनाई जाती है, उसको भी अणु अणु कहें, तो ये बात तो जचती नहीं है। उसका नाम मूर्ति, उसका नाम अणु, वो क्या नाम दीपक, और उसका नाम घड़ा। अनेक रूप हो गए, उनके नाम भी अनेक हो गए, क्योंकि अनेक प्रकार का, अलग अलग प्रकार का काम करने वाले हैं। दीपक का काम अलग है, घड़े का काम अलग है, मूर्ति का काम अलग है। रचना अनेक प्रकार की होती है और रचयिता एक होता है। सनातन धर्म वाले
तुम बच्चे हाँ सुख भी तुम जास्ती भोगते हो दुख भी तुम जास्ती भोगते हो। हाँ दो बातें कहाँ हुई? 33 करोड़ में से 33 करोड़ में से ये 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें से 10 करोड़ देवताएं ऐसे हैं जो सुख भोगने वाली विशेष आत्माएं हैं। ईश्वरीय सुख भोगती हैं और जो ईश्वरीय सुख भोगती हैं उच्च कोटि का सत्युग त्रेता में राम राज्य में वो द्वापर कलयुग में आकर के ज्यादा दुख भोगती है या नहीं भोगती है? 500-700 करोड़ में से उन 10 लाख को 10 करोड़ को निकाल दिया जाए है ना, तो वो 10 करोड़ ज्यादा दुख भोगने वाली बनती है या 10 करोड़ कम 500-700 करोड़ ज्यादा दुख भोगती है? मान लो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्यों की संख्या 500 करोड़ है तो 500 करोड़ में से 490 करोड़ ज्यादा दुख भोगते हैं या 10 करोड़ ज्यादा दुख भोगते हैं? है? 10 करोड़ जास्ती दुख भोगते हैं। क्यों क्यों? वो तो ईश्वरीय सुख भोगने वाली आत्माएं हैं, फिर वो जास्ती सुख क्यों भोगती हैं? 490 करोड़ मनुष्य आत्माएं जो मन वाली हैं, मन का उपयोग करने वाली हैं, कीड़े मकोड़े पतंगे जैसी नहीं हैं, वो तो ईश्वरीय सुख नहीं भोगती है, द्वापर से आती है। ईश्वर के बच्चे तो नहीं बनते हैं, तो ज्यादा दुख किसको भोगना चाहिए? है? अरे अरे इतनी बात क्या है, इसका जवाब नहीं है? धीरे धीरे करके बोलते हैं ताकि आवाज ही समझ में ना आए। है? 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं जो मन का उपयोग करने से मनुष्य कही जाती है, हैं तो 700 करोड़ भी, लेकिन 200 करोड़ तो अंत में ऐसी आती हैं जो मन को उपयोग ही नहीं, उन्हें कीड़ा मकोड़ा समझो, एक जन्म दो जन्म लेने वाली, उनको तो हटा दो। 500 करोड़ मनुष्यों में से 500 उनमें से सत्युग त्रेता में आकर जन्म लेने वाली जो देव आत्माएं हैं वो 10 करोड़ हैं, वो भगवान के बच्चे बनते हैं, भगवान से सुख लेते हैं, संगम युग में उन्होंने भगवान से सुख लेने की शूटिंग कर ली, तो कलयुग के अंत में उन 10 करोड़ को ज्यादा दुख भोगना चाहिए या ज्यादा सुख भोगना चाहिए, सुखी होना चाहिए, या जो भगवान के बच्चे बनते ही नहीं, द्वापर युग से आते तो हैं, द्वापर कलयुग में आते हैं, रावण राज्य में आते हैं, लेकिन 490 करोड़ हैं जो द्वापर कलयुग में आते तो हैं वो भगवान के बच्चे नहीं बनते, बनते हैं नहीं बनते, तो उनको ज्यादा दुख भोगना चाहिए या उनको ज्यादा दुख भोगना चाहिए सत्युग त्रेता में आते हैं 10 करोड़? है? उनको ज्यादा दुख भोगना चाहिए। क्यों उनको ज्यादा दुख क्यों? वो तो भगवान के बच्चे हैं। है?
तुम ही ज्यादा बोलते। हाँ, जो आत्मा जितनी जास्ती पुरानी होगी वो उतनी ही जास्ती तमो प्रधान भी बन जाती है, और जो आत्मा जितनी नई होगी परमधाम से नई नई उतरी है वो उतना ही कम दुख भोगेगी। ये नियम है, जितना पुराना आता पुराना मकान हो जाएगा उतना ज्यादा दुखदायी होगा, और जितना नया मकान होगा उतना सुखदायी होगा। पुराने को तमो प्रधान कहा जाता है और नए को चतु प्रधान कहा जाता है। आपके प्रश्न का समाधान हुआ? हाँ। के वार्तालाप में बोला है बालाजी वाले आत्मा को कुबेर वाले आत्मा व्याज देना पड़ता है। है? बालाजी वाले, बालाजी को जो कुबेर है उस कुबेर को पहले कभी लोन लिया था बालाजी ने, वो लोन इतना जास्ती लिया कि अब तक भी जितनी कमाई होती है उनके घर मंदिर में उस मंदिर की सारी कमाई वो लोन जो लिया था उसका ब्याज भरने में दे देते हैं। हाँ, तो लेकिन जगदम्बा को ब्याज नहीं भरना पड़ता था। है? जगदम्बा को तो ब्याज नहीं भरना पड़ता था। बालाजी को दो पत्नियां बताते हैं, एक श्रीदेवी और एक भूदेवी, तो दोनों में से किसको ब्याज नहीं भरना पड़ता? है? क्या बोल रहे हैं आप? अच्छा, श्रीदेवी को ब्याज भरना पड़ता है? अच्छा, श्रीदेवी को भरना पड़ता है? जगदम्बा का ही नाम क्यों लिया? न जगदम्बा ने लिया लोन और न श्रीदेवी ने लिया। लोन किसने लिया? जिसने लोन लिया सो भरेगा या कोई दूसरा भरेगा? मान लो घर का मुखिया बाप है, है? और बाप जो है वो लूट का काम करता है, डकैती का काम करता है, घर में कुछ नहीं बताता, तो जो डकैती का धन कमा के लाता है तो पाप किसके ऊपर करता है? हैं? घर के मुखिया के ऊपर पाप चढ़ेगा ना, कि घर की जो घरवाली है उसके ऊपर और बच्चों के ऊपर पाप चढ़ेगा? है? नहीं चलेगा। तो ऐसे ही श्रीदेवी और भूदेवी, जगदम्बा और भारत माता जिसे श्रीदेवी कहा जाता है, लक्ष्मी, वो तो लोन नहीं लेती है भाई, जो कमाओगे उसी को खाएंगे, हमें इससे क्या मतलब, हमें तो कमाई चाहिए, हम तो बच्चों की परवरिश करनी है, तो बोझ किसके ऊपर चढ़ रहा है? है? न जगदम्बा के ऊपर चढ़ रहा है, जगदम्बा माने भूदेवी, भू माना पृथ्वी, और न श्रीदेवी के ऊपर पाप चढ़ रहा है, लोन चढ़ रहा है। बाबा ने लोन लेना उधार लेना मना क्यों कर दिया? क्या तुम ब्राह्मण बच्चों को लोन नहीं लेना है, उधार नहीं लेना है, क्यों मना कर दिया? है? क्योंकि लोन वो ही लेते हैं जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, चाहे पूर्व जन्म में मैं न किया हो और चाहे इस जन्म में न किया हो, लोन लेकर के खाना, लोन भी क्या है, मांगना है या नहीं मांगना है? मांगने से मरना भला है?
क्या क्या बनते हैं? वापस दे देना फिर भी। हाँ हाँ फिर क्या क्या कहना चाहती है? लोन लेकर भी वापस देते हैं ना। हाँ क्या तो लोन लिया, ये खराब काम पाप कर्म किया या अच्छा काम किया? मांगा, ये मरना वाला, ये मरने जैसा काम किया या जिंदा रहने जैसा काम किया? अरे क्या किया? अच्छे तो अच्छा मर जाते, खराब काम किया ना। मांगने से मरना भला। अब वो चाहे चंदा मांगो और चाहे लोन मांगो, बिना मांगे मिल जाता है क्या? मांगा ना, भले तुम बाद में भर के दोगे, ये तुम्हारी सच्चाई है जो भर के दे दोगे, लेकिन मांग तो लिया ना। तो अब माता क्या पूछ रही हो, समझ में नहीं आया जगदम्बा का क्यों नाम लिया, क्या बात है? जगदम्बा का अकेला नाम नहीं, दोनों का नाम लो। न जगदम्बा को भरना पड़ता है और न श्रीदेवी को भरना पड़ता है। भरना किसको पड़ता है? हाँ बालाजी, जिन्होंने लिया है, जिनका नाम बाला है उन्हीं को भरना पड़ेगा। कैसे भरना पड़ेगा वो बंगलोर के वार्तालाप में बता दिया था। कुबेर जो है वो कहाँ का अधिपति है? है अलकापुरी। अलकापुरी कहाँ की बात है? क्या नहीं है तो संगम युग की बात, लेकिन वो स्थान कहाँ है अलकापुरी? उत्तर दिशा में है। तो उत्तर दिशा का अधिपति कौन है? कुबेर। वो कौन है कुबेर? अरे कोई दोस्त ही होगा ना, बालाजी का कोई दोस्त होगा, उसी ने लोन दिया होगा कि दुश्मन होगा? है दोस्त होगा, बहुत नजदीक ही होगा। दोस्ती का जो संबंध होता है वो बहुत नजदीकी होता है या दूर का होता है? है जैसे पति पत्नी का संबंध होता है ना, ऐसे दोस्ती का संबंध भी होता है। पत्नी को भले बात कोई बताएंगे ना बताएंगे, लेकिन दोस्त को बता देंगे, तो उससे लोन लिया। उत्तर दिशा में काशी नगरी है। क्या काशी नगरी के लिए गायन है? वो सदैव भरपूर रहती है, कभी भी खाली नहीं होती। तो जो सदैव भरपूर रहता है वो ही दूसरों को लोन दे सकता है। भारत सदैव भरपूर रहता है, है? वो तो नहीं सदैव भरपूर रहता है, खाली भी हो जाता है, है? तो जब खाली होगा तो भिखमंगा होगा भारत। हाँ तो अभी अभी जो कुबेर का पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी, उस आत्मा को लोन भर भर के दे रहा होगा कि नहीं दे रहा होगा? है कौन? बालाजी। जितनी भी कमाई होती होगी वो सारी कमाई किसको अर्पण करता होगा? कुबेर को अर्पण करता है, है? जिसने 63 जन्मों में ज्यादा सहयोग दिया होगा और अभी संगम युग में भी सबसे ज्यादा सहयोग दिया होगा, आदि से लेकर के मध्य से और मध्य से लेकर के अंत तक जो सदैव सहयोगी बनता है, विरोधी नहीं बनता। आस्त देव ही है जो नंबर वार सबसे जास्ती सहयोगी बनते हैं, तन से मन से धन से समय से संपर्क से सब प्रकार की बाजी लगा करके संगम युग में भी सहयोगी बनते हैं। तो 63 जन्म में सहयोगी बने होंगे या नहीं बने होंगे? वहां भी बने होंगे, बनी बनाई बन रही है, अब कुछ बननी ना है।
फिर उनमें नंबरवार होंगे कि सब एक जैसे होंगे? बाबा साइन रजिस्टर करते हैं माँ और बाबा लिखे हैं, तो जगदम्बा माँ के लिए लिखे हैं या सूर्यवंशियों के माँ के लिए लिखे हैं? बता दिया ना, भारत में परंपरा है पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो दूसरी कर लेते हैं, कहते हैं एक जूती गई और दूसरी जूती लेता हूँ। ऐसे करते करते तीन चार शादियां भी कर लेते हैं, कितनी जूतियां हो गई है? तीन चार जूतियां हो गई जिनमें बुद्ध रूपी पांव घुसेड़ के अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। पांव से क्या किया जाता है, जूती क्या करती है? कांटों से पांव की सुरक्षा करती है। तो तीन चार शादियां भी कर लेते हैं, कहां की बातें हैं, ये भी पुरानी जूती है। मुरली में क्या बोला, ये भी पुरानी जूती है। कौन? ये ब्रह्मा भी पुरानी जूती है, भले ओरिजिनल ब्रह्मा हो या टाइटलधारी ब्रह्मा हो, लेकिन है पुरानी जूती। हाँ, प्रश्न क्या था? सही रजिस्टर में माँ और बाबा लिखते हैं। हाँ, तो हाँ, तो जगदम्बा माँ के लिए लिखते हैं। हाँ, जो नाम पड़ता है, जिस नाम से पुकारा जाता है, वो नाम किस आधार पर पड़ता है? काम के आधार पर। बाप और माँ का संबंध जो है वो किस आधार पर माना जाता है? बाप के साथ माँ जुड़ी हुई है, बच्चा बाप का भी नाम लेता है और साथ में माँ का भी नाम पहले लेता है। तो माँ और बाप जो संबंध जुड़ा हुआ है, तो माँ नाम भी है और बाप नाम भी है। ये किस आधार पर माँ बाप कहा जाता है? बाप बहन क्यों नहीं कहा जाता, बाप बेटी क्यों नहीं कहा जाता, माँ बाप कहा जाता है? क्यों माता पिता कहा जाता है? क्योंकि बाप का सबसे जास्ती सहयोगी कौन है, बहन है या पुत्री है या माँ है, कौन है? माँ है सहयोगी। तो जो काम करे उसका टाइटल पड़ेगा। जब रजिस्टर में लिखा जाता है मम्मा बाबा, तो मम्मा जब कहा जाएगा तो काम के आधार पर मम्मा कहा जाएगा, या काम नाम कुछ भी न करे या काम उल्टा करे तो भी मम्मा कहा जाएगा। तो जो काम कर रहा हो वो ही मम्मा, जो काम न कर रहा हो या उल्टा काम कर रहा हो, विरोधी काम कर रहा हो, तो अम्मा कहा जाएगा नहीं? चलो लिखते तो हैं, कम से कम लिखने वाले लिखते हैं, समझते समझते नहीं है। बेसिक में भी ऐसे होता है, पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, लेकिन असलियत को समझते नहीं है। ऐसे यहाँ भी है, मम्मा बाबा लिखते तो हैं, लिखते हैं कि नहीं लिखते, लेकिन ये विचार करते हैं कि मम्मा कौन और बाबा कौन? करते हैं, सब करते हैं। नहीं करते, बिना बेचारे ऐसे ही लिख देते मम्मा बाबा। ये तो अभी माता जी ने पूछ ली, किसी दूसरे ने पूछा या आपने ही पूछा है? किसने पूछा? किसी कन्याओं ने पूछा है कि मम्मा किसको लिखते हैं और बाबा किसको लिखते हैं?
माना कुछ अंदर में संघर्ष चल रहा है। क्या संघर्ष? कि अम्मा किसको लिखा जा रहा है? पक्की बातें हैं तब पूछा जा रहा है या कुछ कच्चापन है तब पूछा जा रहा है? कुछ न कुछ संशय है तो पूछ निकली हुई है। अगर संशय न हो तो पूछ का भी पूछ पूछ की पूछ का भी सवाल नहीं होता। हाँ एक माता जी आई थी कोई नई गीता पाठशाला जो खोल के बैठी थी वो नहीं आती आजकल, पहले बहुत ज्यादा प्रश्न करती थी। उन्होंने सही छोड़ दिया। अच्छा अच्छा हाँ। लोन लेने वाली बात जो है वो सरेंडर वर्ग वालों से वाले के लिए कई से गुप्त होते हैं क्योंकि वो तो किसी से लोन नहीं लेते हैं। लोन लेने वाली बात जो है हाँ सरेंडर वर्ग वालों के लिए कई से कैसे लागू होती है? मान लो जो सरेंडर हो गए, सरेंडर होने वालों से लिखाया जाता है, मुरली में भी बोला होगा, क्या बोला हुआ? जो खिलावे जो पिलावे जहाँ सुलावे जहाँ ले जावे और जहाँ बिठावे, चाहे अनंतपुरम में बिठावे चाहे श्रीनगर में बिठावे, जैसे चलावे वैसे चलना है, जो पहनावे सो पहनना है, ये लिखवाया जाता कि नहीं? है सरेंडर लेटर में लिखवाया जाता है ना, जो लिखा और लिख करके दिया सरेंडर होते समय और वो अंदर से इतना करने में अपने को असमर्थ पाता है, असमर्थ पाता है, फिर सच्चा सच्चा बताता भी नहीं है। मान लो चुरा चुरा के कोई अच्छा अच्छा खाना दूसरों से ले लेता है, खा लेता है, अच्छी सी चीज ले लेता है और यूज कर लेता है, क्या तो वो लोन में कही जाएगी या सरेंडर होने के आधार पर मिली है ये कहा जाएगा? है क्या कहा जाएगा? माताएं तो हिंदी नहीं समझती हैं, जवाब क्या देंगी? ये अनुवाद करके बताओ, जोर से बोलो, अनुवाद करके बताओ। बोलो तेलुगु बोलो ना, आप बोलो माता जी बताओ, फिर समझ गए कि नहीं? है तो बताओ। अरे बताओ, डांट नहीं पड़ेगी। वो तो तीन चार माताओं ने सुना है, सबने तो नहीं सुना। यज्ञ में ये भी नियम है कि जो निमित्त है उसको बता करके कोई चीज लेनी है, चोरी नहीं करनी है। लेकिन जो सरेंडर्ड वर्ग हैं उनमें से कोई अगर ऐसे करता है, चीनी निकाल ली चुपचाप खा ली, गुड़ निकाला खाया, दूध गर्म करने के लिए रखा, ठंडा करने के लिए रखा, दही जमाने के लिए रखा, मलाई सारी निकाल ली खा ली, तो ये लोन में आएगी या ना? ये हक है सरेंडर होने वालों का, है लोन में आएगा।
यज्ञ में तो सारा सामान आता है ना, बहुत सी माताएं घी भी देती है, हॉर्लिक्स भी देती है, बॉर्नविटा भी देती है, कोई इंचार्ज ऐसी है तो खुद सारा सारा खा जाती है, असिस्टेंट कन्याओं को कुछ भी नहीं देती। तो ये लोन कहा जाएगा या सरेंडर होने के आधार पर उसका हक कहा जाएगा? लोन ही कहा जाएगा। निकालो निकालो, माताजी बहुत अच्छी अच्छी बातें पूछती है। सौर मंडल में हाँ जो भी नवग्रह है हाँ वो बस 2012 दिसंबर में तारीख में एक दिन में आएंगे। इसके मृत्यु में ये नवग्रह अलावा और एक मृत्यु में एक सेकंड में 25 किलोमीटर स्पीड से भाग रही है। वो ग्रह उस दिन 2012 दिसंबर 21 तारीख को वो ग्रह उसी के नजदीक आएगी। वो तारीख दिसंबर जो तेजी से भागने वाला ग्रह है वो दौड़ करके पृथ्वी के नजदीक आ जाएगा। हाँ और हाँ हाँ पृथ्वी के बगल से चल जाएंगे। पृथ्वी के बगल से दौड़ता हुआ चल जाएगा या आगे निकल जाएगा? आगे निकल जाएगा। हाँ बड़े बड़े भूकंप आएंगे और इस दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बात वैज्ञानिकों ने बताई है। ये बात सच है अखबार में भी आ रहा है। एक अखबार में क्या, वो माया सभ्यता की कैसेट तो चारों तरफ घूम रही है, हैं? हाँ वो टीवी में दिखाते ही रहते हैं, उससे सबसे ज्यादा फायदा तो बीके वाले ले रहे हैं। हाँ तो जो एक ग्रह सबसे आगे भाग रहा है वो पुरुषार्थ की बात है। क्या नवग्रहों में से कोई एक ग्रह है जो पुरुषार्थ की दौड़ में सबसे तीखा भाग रहा है और सबसे तीखा भागते भागते पृथ्वी से भी आगे निकल जाएगा? वो चैतन्य पृथ्वी और चैतन्य ग्रह की बात है या जड़ ग्रह की बात है? चैतन्य पृथ्वी की बात है, पृथ्वी माता की बात है और चैतन्य ग्रह की बात है। बाकी 2012 में कोई विनाश हो जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है। दौड़ होती है ना, रेस होती है, तो रेस में कोई आगे होता है, कोई पीछे होता है, कोई बीच में होता है, होता है ना, दौड़ते दौड़ते बीच में ऐसा होता है। लेकिन एक स्टेज ऐसी दिखाई गई कि दौड़ने वाले सारे ही एक लाइन में आ जाते हैं, है? लोग देखने वाले सरसोपंज में पड़ जाते हैं, अरे अब इनमें से कौन आगे निकलेगा? तो नौ ग्रहों की दौड़ हो रही है पुरुषार्थ की, तो पुरुषार्थ की दौड़ में ऐसा भी टाइम आएगा कि सब दौड़ने वाले एक लाइन में आ जाएंगे और फिर उनमें से दो ऐसे देखने में आवेंगे, दो की दौड़ देखने में आवेगी ऐसी कि एक क्रॉस कर जाएगा ये पीछे रह जाएंगे।
दौड़ में अव्वल नंबर निकलता है, द्वयम नंबर निकलता है, तीसरा नंबर निकलता है, नंबर तो निकलते हैं ना। और पूछने का मतलब यह है, पूछने का मतलब यह है कि जगदम्बा के समय में प्रजापिता एक जगह आराम से बैठे थे, लेकिन काशी नगरी के रहते हुए प्रजापिता को दर दर भटकना पड़ रहा है, तो जगदम्बा में ऐसी क्या पावर थी? जगदम्बा कन्या नहीं थी है? कन्या के बीच में और कुमारों के बीच में जो बाहर की दुनिया की हवा खाते फिरते हैं, उनकी मेंटेलिटी में फर्क नहीं होता है? है, होता है कि नहीं? मेंटेलिटी में बहुत फर्क पड़ जाता है, तो पुरुषार्थ में भी फर्क पड़ेगा। और घरों में लोग समझते हैं कि बच्चे की शादी हुई, ऐसी कोई गृह लक्ष्मी घर में आ गई कि उसके आने से भाग्य जो है बाला दिखाई पड़ता है पूरे परिवार का, और मर गई तो भाग्य खलास देखने में आता है। तो जगदम्बा जी कोई कम हस्ती थोड़ी है। नाम क्या पड़ा? सारे जगत की अम्बा। अरे द्वापर के आदि में नहीं पूजी जाती है तो कम से कम कलयुग में तो पूजी जाती है। क्यों पूजी जाती है और कौन क्यों इतना बड़ा मेला लगता है जगदम्बा का है? कारण क्या है? पूजा किसकी होती है? है, जिसने पवित्रता का सबसे जास्ती पालन किया हो उसकी पूजा होती है, जिसने कम पालन किया हो उसकी पूजा नहीं होती उतनी। तो देवियों की पूजा बहुत ज्यादा होती है और देवताओं की पूजा इतनी नहीं होती है, इसका कारण क्या है? अरे कोई तो कारण होगा कि नहीं? यही कारण है कि कन्याओं माताओं में विकार कम होते हैं और पुरुषों में विकार जास्ती होते हैं। पुरुष सब दुर्योधन दुशासन है, ऐसे तो नहीं कहा ब्रह्मा को छोड़ दो और शंकर को छोड़ दो, कहा बाकी सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, ऐसे बोला मुरली में? नहीं, क्या बोला? पुरुष सब दुर्योधन दुशासन होते हैं, तो जो दुर्योधन दुशासन होंगे वो अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति अगर चलाएंगे तो कन्याओं माताओं को दुख होगा या नहीं होगा? है, तो भाग्य किसका बनेगा और किसका बिगड़ेगा? अभी कन्याएं माताएं भी ज्ञान में चल रही हैं, भाई लोग भी ज्ञान में चल रहे हैं, पुरुषों को सबको बता दिया दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में है, तो ज्यादा भाग्य किसका बन रहा है? अरे स्वर्ग का गेट खोलने के निमित्त कौन बन रही है? माताएं बन रही है, कन्याएं बन रही है। ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया, ये क्यों नहीं कहा कि शंकर जी स्वर्ग का गेट खोलते हैं या शंकर जी के गण स्वर्ग का गेट खोलते हैं? कहा, क्यों नहीं कहा? है, क्योंकि स्वर्ग का गेट खोलने के लिए लायकात भी चाहिए। और तो कन्या है तो क्या हुआ? दोनों कन्याओं में माने आप अंतर जानना चाहते हैं जगदम्बा और काशी नगरी में है? अंतर ही तो जानना चाहते हैं। तीनों कन्याएं मान लो हैं, चारों कन्याएं हैं, गंगा भी कन्या और जो
यमुना है वो भी कन्या, सूरी पुत्री कही जाती है ना यमी, और जगदम्बा भी कन्या। और कुमारी, कुमारी कन्या वो भी कन्या, और काशी नगरी भी कन्या। लेकिन चारों ही कन्याओं में कुछ अंतर है या एक जैसी है पुरुषार्थ में? क्या क्या अंतर है तो बताओ, कुछ स्पेशलिटी होगी कि नहीं अपनी अपनी, क्या क्या विशेषता है, है? माने चारों में प्योरिटी का अंतर है, क्या अंतर है, है? ज्यादा प्योरिटी किसमें, है? छोटी मम्मी में ज्यादा प्योरिटी तो है, फिर ज्यादा प्योरिटी है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ रही? एडवांस होना चाहिए या पीछे होना चाहिए, है? एडवांस है तो नहीं है और तो पीछे है, कारण क्या? अरे प्योरिटी तो सन्यासियों में भी होती है, फिर बाबा ने सन्यासियों को पीछे धकेल दिया और गृहस्थियों को आगे कर दिया, क्या कारण? प्योरिटी तो हो लेकिन प्योरिटी दूरबाज खुशबाज वाली नहीं होनी चाहिए। कैसी प्योरिटी हो? साथ में रहें। कुंवारी कन्या है सन 36 वो 76 से लक्ष्मी नारायण दोनों का जन्म हुआ प्रत्यक्षता रूपी, या एक का हुआ एक का नहीं हुआ, है? दोनों का जन्म हुआ, ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म हुआ या स्थूल जन्म हुआ? दोनों का ज्ञान के आधार पर प्रत्यक्षता रूपी जन्म हो गया। एक को बुद्धि के ज्ञान के आधार पर अपने पार्ट की प्रत्यक्षता हो गई, किसको? नारायण को। और लक्ष्मी को बुद्धि इतनी तीखी नहीं है लेकिन प्योरिटी है, प्योरिटी भावना की बात है, क्या वो भावना जो है इतनी तीखी है एक के प्रति कि भावना के आधार पर, सतीत्व व्रत के आधार पर उसको भगवान जो है जिस ताकत की चाबी अपने हाथ में रखता है, क्या वो चाबी और किसी के हाथ में नहीं देता, क्योंकि और जितने भी हैं वो सब पतित होने वाले हैं या नहीं, सब पतित होने वाले हैं। और पतितों के हाथ में चाबी दे देंगे तो पार्शलिटी करेंगे कि नहीं करेंगे, है? पार्शलिटी करेंगे, पक्षपात करेंगे, इसलिए साक्षात्कार की चाबी किसी के हाथ में देता नहीं। और साक्षात्कार किसको कराता है? उनको ही कराता है जिनके जीवन में प्योरिटी जागती है। तो 76 से ही उस आत्मा को साक्षात्कार होता है। जब जब कभी कभी पुरुषार्थी जीवन में दुख का टाइम आता है, ज्यादा माया की परीक्षा आती है, माया की परीक्षा आने पर रोने रोने को पुरुषार्थी हो जाता है, तब तब उस आत्मा को भगवान साक्षात्कार करा देता है। और साक्षात्कार के आधार पर वो आत्मा प्रसन्न हो जाती है, अपने पार्ट के ऊपर निश्चय बुद्धि हो जाती है। तो प्योरिटी तो है लेकिन हिम्मत, हिम्मत बकरी जैसी है या शेर जैसी है? है बकरी जैसी है, जो कान पकड़ लेगा, जो पकड़ लेगा कान, जो सुनाना शुरू कर देगा उसी में सत्य वचन महाराज। तो ये बकरी बनने से काम खराब हो जाता है। अब वो बात छोड़ दो, ये एडवांस के काम नहीं आएगी बात, क्या? राजाएं जो हैं उनका स्वभाव संस्कार बकरी जैसा होना चाहिए या शेर जैसा होना चाहिए,
है, भगवान के बच्चे शेर होंगे ना, तो ये तो कैटेगरी ही अलग है। फिर और भी तो कन्याएं रह गई, कन्या के रूप में पुरुषार्थ करने वाली और भी तो है। कौन है? गंगा आती है। गंगा की विशेषता ये है, आदि में भी पहले और अंत में भी पहले, बेसिक में भी आदि में पहले, तीखी होती है गंगे दादी। नाम सुना नहीं सुना? हाँ, बेसिक नॉलेज में एक गंगे दादी थी जो कानपुर की इंचार्ज रही, अभी तो शरीर छोड़ दिया। शास्त्रों का ज्ञान उनके अंदर बहुत था, अच्छी विद्वान मानी जाती थी। ऐसे ही एडवांस ज्ञान में भी, एडवांस ज्ञान जो है वो सतो प्रधान स्टेज का सबसे पहले कोई तो कन्या हुई होगी जिसने सबसे जास्ती गहराई तक सुना होगा। कौन है वो कन्या जो एडवांस के आदि में भी होती है और ज्ञान गंगाएं अंत में प्रत्यक्ष हुई है, अंत में भी निकलती है? तो आदि में भी थी और अंत में भी होगी, अंत में सेवा के आधार पर प्रत्यक्ष हो जाएगी। आदि में ज्ञान की समझ के आधार पर थी, जितना गहराई तक एडवांस का तत्व प्रधान ज्ञान उस कन्या ने पहले पहले सुना उतना और किसी ने नहीं सुना। जगदम्बा वो तो थी 9 साल की, बालिग थी या नाबालिग है, बुद्धि कैसी थी? नाबालिग बुद्धि थी, तो वो ज्यादा समझेगी या जो बालिग बुद्धि होगी वो ज्यादा समझेगी है? ज्यादा कौन समझेगा? जो बालिग बुद्धि होगी वो ज्यादा समझेगा। तो गंगा ने ज्ञान को ज्यादा गहराई तक समझ लिया। फिर गंगा का नाम ज्यादा बाला होना चाहिए एडवांस में। एडवांस जो भी पुरुषार्थी हैं उनको गंगा की पहचान ज्यादा होनी चाहिए, गंगा का नाम बाला ज्यादा होना चाहिए, गंगा के लिए मान्यता दिल में ज्यादा होनी चाहिए या जगदम्बा के लिए होनी चाहिए? किसके लिए होनी चाहिए? अरे अरे गंगा ने ज्ञान गहराई तक समझा, जो समझेगा तो ही तो दूसरों को समझाएगा, कि जो समझेगा ही नहीं वो समझाएगा? कौन समझाएगा? जिसने गहराई तक समझा होगा वो दूसरों को गहराई तक समझाएगा। तो गंगा समझने में आगे है, सतो प्रधान ज्ञान उसने समझा। जगदम्बा तो छोटी कन्या थी। तो फिर ब्राह्मणों की संगम की दुनिया में जो एडवांस पार्टी वाले हैं, आगे आगे जा रहे हैं पुरुषार्थ में, एडवांस माने आगे, उनके दिल के अंदर गंगा की मान्यता ज्यादा होनी चाहिए या जगदम्बा की ज्यादा मान्यता होनी चाहिए? है गंगा की ज्यादा होनी क्यों है? नहीं, अभी है तुम्हारे अंदर मान्यता, तुम्हारी दिल है गंगा को देखने की, तुमने गंगा को देखा है, जाना, नाम पता है, देश पता है, एड्रेस मालूम है, दिल के अंदर ललक होती है कहाँ रहती है कुछ पता नहीं, इसका मतलब मान्यता नहीं है उतनी जितनी जगदम्बा के लिए मान्यता है। तो कोई कारण होगा, क्या कारण है? जो जगदम्बा की ज्यादा मान्यता हो गई, बड़े बड़े मेले लगते हैं, गंगा के किनारे भी मेले लगते हैं, लेकिन उतने बड़े मेले नहीं लगते हैं जितने जगदम्बा के पीछे बड़े बड़े मेले लगते हैं। कोई कारण होगा, क्या कारण है? हाँ, जगदम्बा ने जितना मिलन मेला बाप के साथ मनाया उतना और किसी ने नहीं मनाया, इसलिए बड़े बड़े मेले जगदम्बा के लगते हैं, दूसरे किसी के देवी के मेले नहीं लगते। दूसरी बात,
जगदम्बा पहले अर्पण हुई और उसके अर्पण होने के बाद ढेर की ढेर अर्पण हुई, इतनी जास्ती अर्पण हुई जितनी ब्रह्मा के यज्ञ में भी संचालन किए हुए यज्ञ में भी अर्पण उनके जीते जी नहीं हुई। ब्रह्मा के जीते जी यज्ञ में अर्पण होने वालों की संख्या कितनी थी? 300-400। और जगदम्बा के पीछे अर्पण होने वालों की संख्या कितनी है? नहीं, अभी भविष्य में जब होगा तब देखा जाएगा। वर्तमान को पकड़ना है या भविष्य को पकड़ना है? हाँ, अभी है दुगुनी। सरेंडर होने वालों की संख्या है दुगुनी। भले आते जाते हैं, भागते जाते हैं, नहीं आते जाते हैं, ये तो वृक्ष है ना, वृक्ष में पुराने पत्ते झड़ते हैं, नए पत्ते निकलते भी हैं। तूफान आता है तो ढेर पत्ते झड़ जाते हैं, अच्छा मौसम होता है तो नए पत्ते बसंत ऋतु में ढेर सारे निकल आते हैं। तो जगदम्बा ने पहले अपने को अर्पण किया तो उसके पीछे पीछे ढेर अर्पण हुए। तो क्या जगदम्बा से पहले कोई ने अपने को अर्पण नहीं किया था? हैं? नहीं किया था? हाँ, जो मणि बनते बनते रुक गई, क्या कोई ऐसी भी कन्या थी कि 76 से जब से एडवांस पार्टी की शुरुआत हुई तब से ही वो कन्या ज्ञान में एडवांस में आई और समर्पित भी हुई? ऐसे नहीं, जगदम्बा ही पहले समर्पित हुई है, वो भी समर्पित हुई। लेकिन एक समर्पित होना होता है दिल की सच्चाई से और एक समर्पित होना होता है अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। समर्पित तो हुई, साथ भी दिया, लेकिन महीने दो महीने खींच खींच के है हम बाकी धोखा दे दिया। तो जगदम्बा तो उसके मुकाबले ज्यादा स्थायी रही होगी ना, कि नहीं रही होगी? जगदम्बा का स्थायित्व तो उसके मुकाबले जास्ती हुआ। जब ज्यादा स्थायी हुई तब उसको देख करके दूसरे समर्पित हुए। 83 के लिए कहा है, 83-87 चल रहा है तो 13 होना चाहिए ना। 13 माने किसका है? बाप का होना चाहिए। तो क्या 83 से पहले कोई सरेंडर नहीं हुआ था? है? नहीं हुआ था, हुए थे ना। एक कुमार का दादी है जो 250 कन्याएं जो हैं यज्ञ में बेसिक में, वो सरेंडर नहीं हुई है? हुए, वो बाप के आगे सरेंडर हुई कि अम्मा के आगे? तो क्यों कहती है बाप के आगे सरेंडर हुई है? हाँ, 13 नहीं बनी, किसकी बनी? अम्मा की बनी, अभी भी अम्मा की ही है। बाप को पहचानने की दिल है ही नहीं। तो जो बाप को पहचानने वालों में जो लिस्ट है उनमें जगदम्बा आगे है और पहचान करके अर्पण में भी हुई और अर्पण होने के बाद ज्यादा लंबे समय तक साथ भी दिया। तो लोगों को निश्चय होगा कि अनिश्चय होगा? निश्चय होगा, क्योंकि दुनिया में तो ऐसे कभी हुआ ही नहीं है। कैसे कैसे नहीं हुआ सिवाय भगवान के पीछे दूसरे कोई और व्यक्तियों के लिए ऐसा दुनिया में कभी देखा नहीं गया। कैसा? कि कोई कन्याएं बिन फेरे हम
तेरे हो जाएं, है? नहीं हुआ ना, है? हुआ? नहीं हुआ। लेकिन जगदम्बा और जगदम्बा के पीछे जो भी आने वाली कन्याएं माताएं हैं, उनके लिए ये बात लागू हो रही। क्या? मेरे फेरे? हम तेरे। समाज की मान्यता के आधार पर बाप की नहीं बनी, लेकिन बाप की पहचान के आधार पर बाप की बन गई। बाद में जगदम्बा आगे हुई तभी तो बनी। इसलिए जगदम्बा का नाम बाला है। एडवांस पार्टी वालों के बीच में भी जगदम्बा का नाम बाला है। गंगा का नाम उतना बाला नहीं, यमुना का नाम उतना बाला नहीं, लक्ष्मी का भी नाम उतना बाला नहीं। अभी वर्तमान में किसका नाम बाला है? जगदम्बा का नाम बाला है। रजिस्टर में भी लिखते हैं अम्मा बाबा मम्मा बाबा, तो लिखने वाले जो जितने भी हैं उनके दिल के अंदर कौन सी अम्मा मंडराती है? ज्यादातर लिखने वालों के दिल के अंदर कौन सी मम्मा का चेहरा या चित्र या भावना आती है? भावना ज्यादा आती है। तो एक लक्ष्मी, एक यमुना, एक गंगा और जगदम्बा, चार के बीच में किसकी मान्यता ज्यादा हुई? जगदम्बा की मान्यता ज्यादा हुई। अभी एक पांचवी और कूद पड़ी, क्या नाम? पांचवी का जो नाम है वो काशी नगरी का आ गया है, है? लेकिन काशी नगरी जो है, जो अष्टदेव है, उनकी खासियत क्या है पुरुषार्थ के हिसाब से? नहीं, उनकी खासियत है जैसे भगवान की खासियत है ऐसे ही उनकी भी खासियत है। नहीं मालूम? जैसे बाप गुप्त है वैसे बाप के जो स्पेशल बच्चे भी हैं वो भी गुप्त रहते हैं। ये खासियत खास है। दान, उनका मान, उनका पद, उनका मतवा, उनका सब कुछ गुप्त है। उनका पुरुषार्थ भी गुप्त है, उनकी सेवा भी सब गुप्त है। जैसे भगवान का पाठ है वो नष्ट हुआ स्तुति लब्धा के परसेंटेज में सबसे आगे, ऐसे ही जो अर्थ दे रहे हैं उनकी भी विशेषता है। क्या? नष्ट हुआ अपने तन से भी नष्ट हुआ। अरे क्या बताएं, अगर हम ऐसे समर्थ बन जाएंगे कि अम्मा को भी चिट्ठी न लिख पाए, अम्मा बाप हमको कभी देखने भी ना पाए, बिल्कुल अम्मा बाप से और संगीत क्या नाम क्या रिश्तेदारों से कनेक्शन टूट जाएगा, तो अगर बीमार पड़ गए और यह कि फेल हो गया तो हमारी परवरिश कौन करेगा? है? ये देह का मोह आता है कि नहीं है? लेकिन उस मोह की बिल्कुल क्या न करें, बिल्कुल परवाह न करें, तो ये देह से न चुगो। दूसरा, देह के पदार्थों से न चुगो। ये भी विशेषता होगी। देह के पदार्थ क्या? अरे हमने सब कुछ अर्पण कर दिया, कुछ भी अपने पास नहीं रखा, तो अगर बीमार पड़ गए तो यज्ञ से मान लो दवाई न मिली, इंचार्ज बहुत सख्त मिली, विधिवत में कोई कोई इंचार्ज होती है ना, तो बड़ी कंजूस होती है, है? उसके लिए बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ, बढ़िया बढ़िया खाना पीना सब कुछ रखेंगी,
आज से चेंज को जाएंगे नहीं तो अगर नदी तो हाँ तो डब्बा गोल हो जाएगा शरीर ही न रहा तो पुरुषार्थ क्या हुआ। तो तन के पदार्थ है कपड़ा है, कपड़े के लिए मुंह आ जाए कपड़ा अच्छा होगा तो दूसरों की सेवा करने जाएंगे तो उनके ऊपर अच्छा असर पड़ेगा। कपड़ा ही एकदम चीका है मैला है, धोने के लिए साबुन भी नहीं दिया जाता ठीक से, तो सेवा अच्छी होगी खराब होगी खराब सेवा हो जाएगी। तो ये सब बातें सोच करके जो देह के पदार्थ हैं उनके लिए मोह आता है, देह के संबंधियों के लिए मोह आता है। मोह तो आता है ना, लेकिन किसी के लिए मोह न हो ये उनकी खासियत है। जिनकी अर्थदेवों में, उन अर्थदेवों में से काशी नगरी का पुरुषार्थ है वो भी ऐसा ही होगा। नीचा पुरुषार्थ होगा या घटिया होगा या असली होगा बढ़िया होगा, तो वो पांचवा पुरुषार्थ थी कन्याओं के बीच में। तो ब्राह्मण परिवार के अंदर उसकी मान्यता, उसकी प्रसिद्धि, उसकी पहचान एडवांस में खास करके ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, लेकिन है जब मम्मा बाबा लिखते हैं रजिस्टर में तो कौन सी मम्मा बुद्धि में आती है ज्यादातर लोगों को, जो भी एडवांस पुरस्कार दिए हैं उनकी बुद्धि में कौन सी मम्मा आती है मम्मा। तो ऐसा क्यों है नहीं कारण मिला क्या क्या कारण अच्छा जगदम्बा को देखा क्या पहले वाला देखा अगले वाले का। अरे जगदम्बा को भी तो सबने नहीं देखा, मम्मा बाबा लिखते हैं जो लिखने वाले ज्यादा है उन्होंने सबने देखा है जगदम्बा उसको भी नहीं देखा, जगदम्बा को भी नहीं देखा तो काशी नगरी को भी नहीं देखा। फिर जगदम्बा की प्रसिद्धि बहुत है और काशी की प्रसिद्धि इतनी नहीं है, जो रजिस्टर में लिखे मम्मा बाबा तो काशी नगरी माँ के रूप में याद आए। इसका कारण क्या है क्या कीचड़ में रहते हुए पवित्रता का पुरुषार्थ गंगा का ज्यादा है तो गंगा को कमर फूल के ऊपर बैठा हुआ दिखाया जाना चाहिए हमेशा जगदम्बा में दिखाते हैं। कीचड़ में रहते हुए कीचड़ की दुनिया के बीच में रहते हुए कीचड़ जैसे विधर्मियों के बीच में रहते हुए दुर्योधन और दुशासनों के घरों में रहते हुए मन बुद्धि से प्राणाम रहना बात की याद में रहना ये पुरुषार्थ तो जगदम्बा से ज्यादा लक्ष्मी का भी नहीं हो सकता। उसको बाप ने प्रैक्टिस कराई है लंबे समय तक, लक्ष्मी को तो प्रैक्टिस नहीं कराई, लक्ष्मी को प्रैक्टिस कराने वाला ब्रह्मा बाबा तो था, दीदी दादियां तो थी, लेकिन उनको प्रैक्टिस कराने वाला बाप नहीं था। तो प्रियंती की बात जो कमल फूल समान जीवन की है वो काशी नगरी के लिए लागू नहीं होती जितनी जगदम्बा के लिए लागू होती। फिर कौन सी ऐसी बात है जो एडवांस पार्टी वाले अपन को कहते हैं कि हम ज्ञान में बहुत एडवांस हैं, सेवा में एडवांस हैं और बात में एडवांस हैं, वो एडवांस वाले जगदम्बा उनकी बुद्धि में आती है लेकिन काशी नगरी उनकी बुद्धि में माँ के रूप में नहीं आती। इसका कारण क्या है? या?
अरे अभी अभी बता भी दिया कैसे मन बुद्धि से ज्यादा याद है, लक्ष्मी को नहीं है, अरे मन बुद्धि से ज्यादा याद लक्ष्मी करेगी, गंगा करेगी, यमुना करेगी, जगदम्बा करेगी या काशी नगरी करेगी, जगदम्बा ज्यादा याद करेगी मन बुद्धि से। दूर रह करके याद करना ज्यादा अच्छी बात है या नजदीक रह के याद करना ज्यादा अच्छी बात है? किसी ने सिर्फ एक बार ही देखा हो क्या, एक बार ही देखा हो और फिर सारे जीवन याद करता नहीं, और दूसरा पुरुषार्थी ऐसा है जो रोज सामने ही रहता हो, जैसा बाबा कहते हैं मेरे साथ रहने वाले बच्चे मेरे को नहीं जानते, तो जो साथ रहने वाले हैं वो भी याद करते हैं और जो दूर रहने वाला है वो भी याद करता है, तो किसकी याद की बलिहारी ज्यादा हुई? जो दूर रह करके भी जिंदगी भर याद करता रहे, देखा सिर्फ एक बार लेकिन याद सारी जिंदगी आती है, देखा नहीं है, इंद्रियों के संसर्ग संपर्क में भी इतना जागती नहीं आया है, फिर भी जागती याद आती और अब विचारी याद आती, तो वो याद वाला आगे हुआ या नजदीक वाला आगे हुआ है? उसी की याद की ज्यादा बड़ी आगे होगी, क्यों? क्योंकि वो याद ये साबित करती है कि पूर्व जन्मों का जो हिसाब किताब है त्रेसठ जन्मों का, वो साथ रहने का ज्यादा है या कम है? ज्यादा है, इसलिए ज्यादा याद आती है। एक आधे जन्म का हिसाब किताब हो तो न भी याद आए, क्योंकि और जन्मों में तो औरों से संबंध रहा, तो औरों का संबंध खींचेगा, तो याद की बात यहाँ लागू नहीं होती। वो कौन सी बात है जो जगदम्बा और लक्ष्मी और काशी आदि देवियों के बीच में ऐसी लागू होती है कि वर्तमान एडवांस पार्टी के जो पुरुषार्थी है उनको काशी नगरी याद नहीं आती है, लेकिन जगदम्बा याद आती है माँ के रूप में। अभी अभी बता भी दिया बाप के साथ फिर बोली बाप के साथ जागती कौन रही? जगदम्बा जागती रही, तो जागती जगदम्बा है, बाप के साथ जागती रही, इसलिए एडवांस पार्टी के वालों को ज्यादा याद आती है। यहाँ एडवांस पार्टी में जो बहुत से ऐसे भी तो हैं, ऐसे भी तो हैं कि जगदम्बा 98 से पहले देखने में आती थी, 98 के बाद 10 साल से ढेर सारे पुरुषार्थी ऐसे निकले जो देखने में भी नहीं आई। सबसे पहले क्या जगदम्बा? अरे एडवांस पार्टी में जो अभी बैठे हुए हैं वो 10 साल से निकले हुए ज्यादा बैठे हैं कि पुराने निकले हुए ज्यादा बैठे हैं? अभी 10 साल के अंदर जितनी वृद्धि हुई है उतनी वृद्धि पहले थोड़ी थी, 98 से पहले 98 में सिर्फ एक मिनी मधुबन था और अब ढेर मिनी मधुबन हो गए। जितना पहले एक मिनी मधुबन कंपिल में रहने वाले थे चंद्रहंस, उसके कई गुने अभी ढेर के ढेर मिनी मधुबन है जहाँ रहते हैं सरेंडर होकर, तो संख्या बड़ी है
या घटी है? बढ़ने की परसेंटेज ज्यादा है या कम है? ज्यादा है। तो अभी बुद्धि में बैठने की बात है कि माँ के रूप में जगदम्बा की छवि ज्यादा बैठनी चाहिए या काशी नगरी की छवि ज्यादा बैठनी चाहिए? काशी नगरी 98 के बाद लाइट में आई, जगदम्बा 98 के बाद गुप्त हो गई। तो नयों को ज्यादा है किस किसकी होनी चाहिए? काशी नगरी इजाजती होनी चाहिए, लेकिन नहीं। इसका कारण क्या है? गुप्त पुरुषार्थ। जो गुप्त पुरुषार्थ की होते हैं वो अपना मान मतवा लेने की इच्छा नहीं करते कि अच्छी अच्छी साड़ियां पहले 500 रुपए की, क्या अच्छा अच्छा गहने आते हैं, माता ढेर सारा गहना अर्पण करती है, बढ़िया बढ़िया सोने के जेवर वो सारे पहनी, ये पहनी एकदम जगदम्बा दिखाई पड़ रही है, देखने से ही आता है जगदम्बा। खाने के लिए अच्छे से अच्छा होना चाहिए। दूसरे प्रकार जो आने वाले मिनी बंधुओं में आने वाले जो बाहर से आते हैं वो अतिथि हैं या परिवार वाले अतिथि हैं, तो अतिथियों की सेवा ज्यादा करनी चाहिए खाने पीने के मामले में या अपनी ज्यादा सेवा करनी चाहिए? क्या करना चाहिए? अतिथियों की ज्यादा सेवा करनी चाहिए। खुद वैसा ही खाना चाहिए जैसा बाबा ने मुरली में बोला, मार्केट से जो सस्ती में सस्ती सब्जी हो तो एक सब्जी उठा लो, तीन चार दिन के लिए इकट्ठी उठा लो, मुरली बोला। सस्ते में सस्ता जो एक फल हो तो उठा लो, तीन चार दिन के लिए एक ही फल उठा लो, सीजन का, सीजन का फल सस्ता होता है। लेकिन अगर कोई बीमार पड़ जाता है या बाहर से आने वाला कोई अतिथि है, उनकी चाय की आदत है, तो उनका सरदर उससे देखा नहीं, उसके लिए प्रबंध जरूर करें। तो मान मतवा लेना नहीं, ऐसा पुरुषार्थी जो गुप्त पुरुषार्थी होते हैं वो संसार की नजरों से भी गुप्त रहते हैं। जैसे भगवान 2500 वर्ष की भक्तिवाद की दुनिया में असली भगवान का रूप गुप्त रहता है या प्रत्यक्ष रहता है? आखिरी सच्चाई तो प्रत्यक्ष होगी या नहीं होगी? होगी। जब सच्चाई प्रत्यक्ष होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सही हो जाए। इसलिए रजिस्टरों में, हाजी रजिस्टर में भले मम्मा बाबा लिखते तो हैं, लेकिन बुद्धि में नहीं है कि वर्तमान में सन 98 के बाद वास्तव में अम्मा कौन है, जिसके हाथ में यज्ञ का सारा कंट्रोल आ चुका है। यज्ञ कहा जाता है जिसमें स्वाहा होता है, दीवालों को यज्ञ नहीं कहा जाता। क्या ये दीवारें बहुत बढ़िया बढ़िया बनी हुई है, बड़ा अच्छा सेंटर बना हुआ, बड़ा महल बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन स्वाहा होने वालों की संख्या ना के बराबर। खाओ हम खाओ पियो बहुत करो, वंचित रहो, क्या अपने तन की सेवा खूब करो, दूसरों को मरने दो, ऐसा संख्या ज्यादा है उसे स्वाहा कहा जाएगा, उसे यज्ञ कहा जाएगा, उसे थोड़ा यज्ञ कहा जाएगा। क्या हो गया?